गाइस तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक एंकर पेंटा का 4 मॉडल का बोर्ड रखा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आपको इसमें 16 एम्पेयर के स्विच के कनेक्शन कैसे करना है और इसको कैसे लगाना है। ए से जेड तक सारी जानकारी दी जाएगी, बस आपको वीडियो कंप्लीट देखना है और स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका यहाँ पर MRP लिखा हुआ है 97 रुपये और हमारा एंकर पेंटा पैनासोनी का ये 4 मॉडुलर बोर्ड है, ठीक है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको स्विच सॉकेट कैसे लगाना है और इसमें वायरिंग कैसे करना है, ए से जेड तक सारी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले इसको हम फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से इस बॉक्स को बाहर निकाल देंगे और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये एंकर पेंटा की प्लेट है जो कि इसमें हमको स्विच सॉकेट लगाना है, ठीक है। तो स्विच सॉकेट लगाने से पहले हमको इसमें आप लोग जिसमें हमको 1-2 पेंच मिल जाते हैं जो कि इसको हम लगाकर टाइट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर की इस प्लेट को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर स्क्रू लगाकर इसको ऊपर की ओर प्रेस करेंगे, बस हमारी ऊपर की प्लेट निकल जाएगी, ठीक है। अब हमको इसमें स्विच और सॉकेट लगाना है, ठीक है। तो इसको कैसे लगाना है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 16 एम्पेयर का यहाँ पर जो सॉकेट है जो कि इसका MRP आप लोग देख सकते हैं 143 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा एंकर पेंटा का ये भी मॉड्यूलर वाला, तो इसको फटाफट से हम अनबॉक्सिंग कर लेंगे और इसको अभी आपको लगाने का तरीका बताएंगे कि आपको इसको मॉड्यूलर बोर्ड में कैसे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह हमारा 16 एम्पेयर का सॉकेट है और 16 एम्पेयर के स्विच सॉकेट को हम फ्रिज में यूज करते हैं, कूलर में यूज करते हैं, प्रेस में, मिक्सी मशीन में यूज करते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं ये हमारा 16 एम्पेयर का स्विच है, ठीक है। 240 वोल्ट 16 एम्पेयर का स्विच है और यहाँ पर इसका MRP लिखा हुआ है 83 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी मैंने फटाफट से अनबॉक्सिंग कर दिया। तो इस बोर्ड में हम जो स्विच लगाएंगे 2 और जो है सॉकेट लगाएंगे 1, ठीक है। क्योंकि हमारा 1 जो हो जाएगा स्विच जो सॉकेट का और 1 स्विच हो जाएगा समरसेबल का, क्योंकि हमको इसी बोर्ड में समरसेबल का कनेक्शन करना है। तो हमारा 1 सॉकेट लग जाएगा और 1 स्विच हमारा सॉकेट का हो जाएगा और जो हम दूसरा स्विच लगाएंगे उसको जो हम लगाएंगे समरसेबल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे आपको स्विच को रखना है और हल्का सा नीचे को प्रेस करना है पर हमारा बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ऐसे आपको स्विच सॉकेट लगाना है, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा बिल्कुल आसानी से लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से चलिए वायरिंग करके आपको दिखा देते हैं कि आपको इसमें वायरिंग कैसे करना है। तो हम 1 का कनेक्शन कर देंगे स्विच से, जो हमारा सॉकेट है इसका कनेक्शन है जो स्विच से, और जो दूसरा वाला स्विच है उसका कनेक्शन करेंगे समरसेबल से। तो जो स्विच का नीचे वाला पॉइंट होता है इसमें हमको लाइन कनेक्शन करना, मतलब कि फेज का कनेक्शन करना है। तो फटाफट से इसको कर देते हैं। तो यहाँ पर अपने स्क्रू से इस पेंच को खोल लें हैं, ऐसे हमने वायर को यहाँ पर छील लिया है और इसके नीचे वाले पॉइंट में हमको लाइन कनेक्शन करना है और इसको अच्छे से फुल टाइट कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लगा दिया है और इसको अच्छे से फुल टाइट कर दिए हैं। अब हमको क्या करना है कि जो है जो हमारा स्विच के जो ऊपर वाला पॉइंट है उसमें से 1 वायर लेना है और सॉकेट के 1 पॉइंट में कनेक्शन कर देना है, ठीक है। तो हमने सॉकेट के 1 पॉइंट में 1 वायर को लगा दिया जो कि लाइन का हमारा वायर है और इसको सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। बस हमारा ये स्विच हो जाएगा जो है हमारा स्विच से हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखते जो हमारा सॉकेट का पॉइंट है इसमें हमने वायर को लगा दिया है, अब इसको अच्छे से फुल टाइट कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा हमने इसको लगा दिया है और एकदम अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब हमको इसमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है, तो जो हमारा सॉकेट का दूसरा वाला पॉइंट है उसमें हमको न्यूट्रल कनेक्शन कर देना है और जो हमारा दूसरा स्विच है इसमें ऊपर वाले पॉइंट में हमको समरसेबल का 1 वायर लगाना है और जो समरसेबल का न्यूट्रल वाला वायर होगा उसको हमको लगा देना है जो हमारा न्यूट्रल वाला सॉकेट में है, इसी में लगा देना, बस एकदम अच्छे से कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एकदम अच्छे से कम्प्लीट हो चुका है और यहाँ पर हमारा बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग ऐसे कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।